हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवि। एनएन स्पोर्ट्स में आज बात करते हैं टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब से 2020 वर्ल्ड कप के टलने की खबरें सामने आ रही हैं और जब से ऑस्ट्रेलिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं T20 वर्ल्ड कप के आयोजन को लेकर, तब से धोनी पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ऐसे में दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। पिछले कुछ दिन से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी के संन्यास को लेकर फिर से खबरें सामने आने लगी हैं। हालांकि ये सब खबरें अफवाह ही साबित हुई थी। ट्विटर पर महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर ट्रेंड चला तो धोनी की पत्नी साक्षी धोनी को ट्वीट करना पड़ा कि ये सारी बातें अफवाह हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन बाद में साक्षी धोनी ने अपना ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। ऐसा क्यों हुआ ये कहना मुश्किल है। तो ये तो थी पुरानी बात, लेकिन अब बात करते हैं टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन की। गैरी कर्स्टन काफी लंबे अरसे तक भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे और धोनी के साथ उनका कॉम्बिनेशन बेजोड़ था। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन में भारत ने 2011 के वर्ल्ड कप को भी जीता था। ऐसे में गैरी कर्स्टन की बात काफी अहम हो जाती है। साल 2011 में टीम इंडिया को विश्व कप जिताने वाले कोच गैरी कर्स्टन ने कहा है कि MS धोनी ने क्रिकेट में खास मुकाम हासिल किया है, उन्हें अपने संन्यास का फैसला लेने का अधिकार है। गैरी कर्स्टन ने कहा कि वो अपनी शर्तों पर फैसला ले सकते हैं, किसी को भी उन्हें बताने का हक नहीं है कि खेल में उनका समय खत्म हो गया है या बचा है। भारतीय टीम के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी महान क्रिकेटर्स में शामिल हैं और अभी भी उनमें ताकत, फिटनेस, गति सब मौजूद है जो उन्हें एक मैच विनर बनाती है। किसी को कोई हक नहीं कि वो महेंद्र सिंह धोनी को रिटायरमेंट के लिए आदेश दे, बल्कि MS धोनी खुद अपनी इच्छा से इस पर फैसला लेंगे। टीम इंडिया ने साल 2011 में विश्व कप जीता था, तब उस दौरान टीम इंडिया के कोच गैरी कर्स्टन ही थे। गैरी कर्स्टन की अगुवाई में टीम इंडिया साल 1983 के बाद पहली बार विश्व विजेता बनने में कामयाब हो पाई थी। गैरी कर्स्टन साल 2008 से 2011 के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी यादों में से एक है। गैरी कर्स्टन ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी एक अविश्वसनीय खिलाड़ी हैं। बुद्धि, शांति, शक्ति, एथलीट, गति और मैच जिताने की क्षमता, ये सभी मौजूद हैं जो उन्हें अन्य मौजूदा खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। उसी वजह से वो नए समय की क्रिकेट में बहुत बड़े दिग्गज हैं। इतने सालों में उन्होंने ये कमाया है कि वो अपने करियर पर अंतिम फैसला ले सकें। ये तो थी गैरी कर्स्टन की बात, लेकिन अब बात कर लेते हैं धोनी के बचपन के कोच केशव बैनर्जी की बात। उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको बताते हैं। धोनी के बचपन के कोच केशव बैनर्जी ने भी कहा है कि MS धोनी उस तरह के इंसान नहीं है जो अपने करीबियों को फोन करेंगे और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास को लेकर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जब धोनी को लगेगा कि संन्यास का वक्त है, वो सही तरीके से इसकी घोषणा कर देंगे। केशव बैनर्जी ने कहा था कि धोनी उस तरह के इंसान नहीं है जो लोगों को फोन करेंगे और कहेंगे कि मैं संन्यास ले रहा हूं। वो जानते हैं कि ये कैसे करना है। जब उन्हें लगेगा कि समय आ गया है तो वो BCCI को जानकारी दे देंगे और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और वो सब चीजें करेंगे जो करनी चाहिए, जैसा उन्होंने टेस्ट से संन्यास लेने के समय किया था। उन्होंने कहा, आप सोशल मीडिया की बातों में ना आए, कई ऐसी चीजें होती हैं जो ट्रेंड बन जाती हैं लेकिन अंत में फर्जी खबरें निकलती हैं। मुझे नहीं पता कि लोग MS धोनी के पीछे क्यों पड़े हैं, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं और आपसे कह सकता हूं कि जब वो संन्यास के बारे में सोचेंगे वो हमें बता देंगे। केशव बैनर्जी ने पहले कहा था कि अगर धोनी IPL नहीं खेलते हैं तो भी उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी जाने वाली भारतीय टीम का हिस्सा होना चाहिए। बैनर्जी ने कहा, आपको IPL में पता चलेगा कि धोनी कितने फिट हैं। अगर T20 वर्ल्ड कप स्थगित भी होता है और अगले साल भी होता है तो वो उसे भी खेल सकते हैं। धोनी ने पिछले साल इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेली है और वो आराम के नाम पर तब से टीम से बाहर चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को स्थगित किया जा सकता है, वहीं IPL भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित है ही। ऐसे में धोनी को लेकर काफी सवाल खड़े हो गए हैं। धोनी से रिलेटेड हर अपडेट आपको NN Sports पर मिलती रहेगी।